देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आई मिस्ड यू अ लॉट। मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। 31 डेज 31 दिन, ये लंबी यात्रा, उत्तर प्रदेश की यात्रा, ये जानने के लिए कि आखिर चुनावों का क्या हाल है, क्या कुछ चल रहा है, इसको समझने के लिए भारत एट नाइन से 31 दिन तक दूर रहा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक। लेकिन जब 31 दिनों की बात करते हैं, तब 31 साल बाद जब मंडल कमीशन ने एक पूरी जनरेशन को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, 29 साल बाद जब बाबरी विध्वंस की घटना ने एक स्कार छोड़ दिया हमारे समाज में, और आज एक बार एक फिर राजनीति को नेता सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स तक ला देते हैं, दे रिड्यूस पॉलिटिक्स टू दिस लेवल। इट्स गोइंग एग्जैक्टली एज आई सेड इट वुड, एग्जैक्टली एज आई सेड इट वुड, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने बोला था। चुनावों से ठीक पहले हर पार्टी अपना असली रंग दिखाई, और अब जब चुनावों में चंद दिन बचे हैं, तब विपक्ष की पार्टियां जाति के नाम पर जोड़ तोड़ कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक है, मंदिर पॉलिटिक्स का गेम बीजेपी ने शुरू कर दिया। बट आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई इज बीजेपी सो डेस्परेट एंड गोइंग बैक इन टू टेम्पल पॉलिटिक्स? दिस इज अ बिग 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 क्वेश्चन। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है, क्या बीजेपी चुनावों से पहले कोई बड़ी चाल चलने वाली। 6 दिसंबर को बीजेपी के समर्थक सौर दिवस भी मनाते हैं, तो इस बार 6 दिसंबर को क्या कुछ होने वाला है? आहटे बहुत है, सवाल बहुत है, और ऐसे में मथुरा में जो माहौल है वो गर्मा गया है। कम्युनल पोलराइजेशन, इस तरीके के शब्दों का मथुरा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धारा 144 लागू है, धारा 144 का पहरा है मथुरा में, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहती थी कि चप्पा चप्पा भाजपा, लेकिन आज चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, सीधे इशारा करता है कि बीजेपी चुनावों से चंद दिन पहले यह सोच रही है कि शायद विकास की बात, अपनी योजनाओं की बात या अन्य जातिगत राजनीति के बीच अगर चुनावों को जीतना है तो उनको अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना है, और वो है मंदिर पॉलिटिक्स। लेकिन क्या राजनीति में जब युवाओं को रोजगार देने की बात होनी थी, बेहतर शिक्षा की बात होनी थी, महंगाई पर बात होनी थी, गांव कूचों की बात होनी थी, ननकू रज्जाक की बात होनी थी, अस्पताल बनाने की बात होनी थी, स्कूल बनाने की बात होनी थी, तो फिर ये मंदिर मस्जिद की बात अब चुनावों से चंद रोज पहले कहां से आ गई, जबकि ये तो कोर्ट्स का मसला है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का डर सता रहा है जिसकी वजह से अब मंदिर पॉलिटिक्स का कार्ड खेला जा रहा है? क्या इससे दंगे होने का खतरा नहीं बढ़ जाता? क्या यह सांप्रदायिक माहौल सिर्फ यूपी तक सीमित रहेगा या फिर पूरे भारत को प्रभावित करेगा? इसी पर आज का हमारा कार्यक्रम है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राम की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद खुद सुलझाने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। यह प्रोजेक्ट बीजेपी की जमीनी सियासत का हिस्सा है। महज 2 सीटों से बहुमत तक का सफर तय करने में बीजेपी सरकार को भगवान राम का भरपूर साथ मिला। अब राम के नाम पर सत्ता में आकर काम कर रही बीजेपी सरकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी कूद पड़ी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। पूरा विवाद समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आज की तारीख में सियासत वाला मथुरा आखिर कैसा दिखता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, हवा में आशंकाओं का शोर, सड़क पर धारा 144 का जोर, यह है कान्हा की नगरी मथुरा। मथुरा जो अब कल की अयोध्या बनती नजर आ रही है, मथुरा जो अब सियासी राजधानी बनती नजर आ रही है, मथुरा जो अब सियासत की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, मथुरा जो अब मंदिर मस्जिद में उलझती नजर आ रही है, मथुरा
जो अब हिंदू मुसलमान होती नजर आ रही है। इस सब की वजह है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर देंगे, और इसके बाद उप मुख्यमंत्री के बयान ने सोच विचार को पुख्ता कर दिया। उप मुख्यमंत्री के बयान ने उस सोच को जन्म दे दिया। विपक्ष ने हमला करने की कोशिश तो की, पर उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मंदिर निर्माण के नाम पर विपक्ष को आखिर मिर्चू क्यों लग रही है। और अब चुनाव जब सर पर है और हिंदू इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो कोई भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाहता, इसलिए विपक्ष भी सन्नाटे में है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में मंदिर की सियासत पर भी सन्नाटा पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। क्या ये जो कम्युनल मसला है जिसको बता रहा है विपक्ष, कह रहा है कि ये कम्युनलाइज करने की चीजें हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये दरअसल पोलराइज करने के लिए हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कि विपक्ष पहले भी कह रहा था कि बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक जब खेले तब हिंदू मुस्लिम कर, अब मंदिर मस्जिद की बात, तो बीजेपी ने क्या अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? और अगर ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर है, और अगर इसका डिफेंसिव वर्ड है कल्चर को प्रोटेक्ट करना, तो इसमें मुस्लिम्स को कैसे टारगेट किया जाए? क्योंकि कुछ रोज पहले ही हिंदू महासभा के लोगों ने कहा था कि ईदगाह के अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी, ठीक है, पुलिस ने उनको डिटेन करने की कोशिश की, सख्ती बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद जब उसी सूबे के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं अब तो यहां की तैयारी है, तो क्या इन लोगों को बल नहीं मिलेगा? और अगर बल मिलेगा तो क्या इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश वाला जो आरोप है वो सत्य नहीं हो जाता? क्या चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी से सिर्फ माहौल को बदलने की कोशिश है? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब देना भी सत्ता पक्ष के लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावों से पहले ये जिन्न जो है ये क्यों जाग जाता है? विपक्ष जिन्ना की बात करता है तो बीजेपी मंदिर पॉलिटिक्स का जिन्न लेकर एक बार फिर क्यों सामने आ जाती है? ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी जी मौजूद हैं। संदीप द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एट नाइन में। संदीप जी, सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा, ठीक है, सबसे पहले अयोध्या की बात हो गई, फिर काशी की बात हो गई, आप कहते हैं कि आपने जो कुछ यहां पर डेवलपमेंट्स हुए आपने कराया, कंस्ट्रक्शन आपने कराया, सब कुछ आपने कराया, रामलला को छत देने का काम आपने किया, विपक्ष कहता नहीं तो कोर्ट का काम था, लेकिन ऐसे में अब जब थोड़े दिन पहले तक आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, अन्य पार्टियां शिक्षा की बात करती थी तो आप कहते थे कि शिक्षा तो हम दे रहे हैं, जब बेरोजगारी पर आप पर सवाल उठा तो आपने कहा कि 400,000 रोजगार देने का काम हमने किया, कुछ रोज पहले ही आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काट रहे थे, कुछ रोज पहले ही जेवर का शिलान्यास कर रहे थे एयरपोर्ट का, सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे ऐन मौके पर, हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाज नहीं आएंगे, तो क्या आपने शुरू कर दिया अपना गेम? देखिए, विपक्ष का तो खैर विकास के नाम पे उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे सरकार को घेर पाए, तो उसके लिए मजबूरी है कि कहीं ना कहीं वो कभी जिन्ना की बात करेगा, कभी अगर हम किसी मुद्दे की बात करेंगे तो उसकी बात करेगा। भाई, जिन्ना का मुद्दा अगर आप देखिए तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने उठाया है, या तो विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि अखिलेश यादव जी बीजेपी के सहारों पर नाच रहे हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन्ना का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जो बड़बोली उन्होंने बयानबाजी करी, उसका काउंटर करने के लिए आपने ये सब कुछ किया? देखिए, अगर इस देश में जिन्ना जैसे व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, और विरोध नहीं करेंगे ऐसे लोगों की पार्टी का, हम नामो निशान। विरोध करने के लिए क्या मस्जिदों को टारगेट करेंगे, क्या सारे मुसलमानों को टारगेट करेंगे? किस मस्जिद को टारगेट कर दिया, किस मुसलमान को टारगेट कर दिया? जन्मभूमि पर आप कह रहे हैं कि वहां की तैयारी है, तो तैयारी है तो मतलब बाबरी जैसा कांड की तैयारी है, 6 दिसंबर 1992 की तैयारी है, वही कुछ होने जा रहा है 6 दिसंबर को, देखिए वही आपकी सोच है? देखिए, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। पहली चीज तो देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं
कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पिछले 70 साल से कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच में बंटवारा कर रही थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे करवा रही थी, और हिंदू मुस्लिम इसका बहुत बड़ा एक पीड़ित अपक्ष था, और वो कांग्रेस जानबूझ के नहीं चाहती थी कि ये उस मुद्दे का पटाक्षेप हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब प्रोवाइड करवाई, और कोर्ट ने उसका संवैधानिक तरीके से निर्णय किया, और सबने निर्णय का स्वागत किया, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब मथुरा की बात करिए आप, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जो बात की जाती है, उसमें 1832 से लेकर 1996 तक जितने भी केस चले हैं उसमें जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास है उसने सभी केस जीते हैं। इनफैक्ट 1832 में जब नीलामी हुई थी उस जमीन की, पूरी की पूरी 14.37 एकड़ जमीन जो थी, 13.37 एकड़ जमीन वो राम जन्मभूमि न्यास ने नीलामी में ली थी, और जिस जगह में ईदगाह है उस जगह का भी अभी तक टैक्स या पूरा जो हक है वो कागजों के हिसाब से राम जन्म कृष्ण जन्मभूमि ब्यास का है। भाई अगर किसी के पास उसका हक है, कोर्ट की तरफ से है, ब्रिटिश जो रूल थे उनकी तरफ से है, तो उसको उसका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसमें मुझे नहीं लगता, देखिए इसमें एक हमें कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि या तो हम कृष्ण जन्मभूमि को एक विवाद के तौर पर हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए उसको रहने दें, और या हम इस मुद्दे को संवैधानिक तरीके से उसका पटाक्षेप करें और दोनों भाइयों को खुशहाल तरीके से रहने दें। क्या जरूरी कि हम किसी के विवाद को बहुत लंबा खींचे और बंटवारे की राजनीति करके हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें? आप दरअसल खुशहाल बनाने के लिए, दोनों के रिलेशनशिप्स को सही करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल में आप बता दीजिए हिंदू मुस्लिम के बीच में कितने दंगे हुए? बीजेपी मस्जिद बनाने को लेकर इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं दिखती जैसा मंदिर बनाने को लेकर डेस्परेट दिख रही है। नहीं देखिए, देखिए मस्जिद बनाने को लेकर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो मुस्लिमों के लिए इतनी बात करते हैं उन्होंने कितनी मस्जिदें बनवा दी आज तक, कितनी अखिलेश यादव ने मस्जिदें बना दी है, कितने उन्होंने गरीब मुसलमान के लिए स्कूल या अस्पताल बना दिए। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो आजम खां और अतीक अहमद जैसे गुंडों के इशारों पर नाचते हैं और सिर्फ कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं, और वही काम कहीं ना कहीं कांग्रेस करती थी। तो ये लोग सिर्फ कट्टरपंथियों के बहकावे में भड़कावे में आके उनके सारों को नाचते हैं और गरीब मुसलमान का खुल के शोषण करते हैं। एक अपराधी बढ़ता है तो वो सबसे पहले घर के लोगों का ही शोषण करता है, पड़ोसी और आसपास के लोग बाद में उससे शोषित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती कि किसी भी मुद्दे का कहीं ना कहीं विवाद हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, या चाहे वो ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर हो। मतलब आपकी तैयारी मथुरा के बाद भी फिर कहीं की तैयारी होगी, फिर कहीं की तैयारी होगी, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी जहां पर भी जिस भी मंदिर को लेकर विवाद है, जहां पर मस्जिद आसपास है, वहां पर बीजेपी सबसे आगे कूद कर मंदिर बनवाने के लिए पुरजोर काम करेगी। नहीं तो क्या दो भाइयों के विवाद को अगर संवैधानिक तरीके से खत्म कर दिया जाए और उन भाइयों को भाईचारे से रहने दिया जाए गलत है, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगले 700 साल तक आज तक कोई नहीं भूला? वहां पर आप गुंबद पर चढ़कर जो कुछ क्रियाकलाप किए गए, जिस तरीके से बाबरी विध्वंस किया गया, वो किस तरीके से एक भाई भाई को मिलवाने का काम था? बाबरी विध्वंस से ज्यादा कायराना पूर्ण हरकत थी उन निहत्थे कार्यसेवकों पे गोली चलवाना। आज उस पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ। जिसपे मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हाँ आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। 1992 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसको लेकर गौरव महसूस करते हैं? देखिए मैं बिल्कुल कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस बात को साबित किया कि उस राम मंदिर वहां था और राम मंदिर बनना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया, तो बाद में साबित किया, आप पहले से गौरव महसूस कर रहे हैं? क्यों इलाहाबाद नहीं, क्या इलाहाबाद कोर्ट ने पहले नहीं कहा था? नहीं, क्या आपने लोकल कोर्ट नहीं, क्या लोकल कोर्ट के डिसीजन नहीं देखे थे आपने? लोकल कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यहाँ पे उसने 3 हिस्से राम मंदिर निर्माण के लिए दिए था, एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया था जिसमें अंसारी उस समय तैयार हो गए थे, लेकिन सोनिया गांधी के फोन करने पे मुलायम सिंह ने जानबूझ के हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए उस मुद्दे को आग लगाई थी और उसके बाद आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। ठीक है, तो आग भड़काने का, हिंदू मुस्लिम बांटने का कौन काम करते हैं? जो आज भी लड़ रहे हैं, आज भी एक तरफ अखिलेश कहते हैं कि जिन्ना ऐसे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस कूद जाती है, नहीं जिन्ना तो हमारे हैं जो अपने दादा की मजार पे दो फूल नहीं चढ़ा पाते, वो आज जिन्ना की बात करें शोभा नहीं देती। ठीक है, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है आपको? कि कौन कहता है कि हमें नफरत है? मुझे लगता है कि आज के प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी को चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहता है, और जो ये कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत है वो सिर्फ और सिर्फ उन गरीब मुसलमानों को, उन मुसलमानों को डरवाने की कोशिश करते हैं जो आज भी उनके गुंडों के चंगुल में है। ठीक है, तो मतलब अगर मुसलमान आपके पास, आप मुसलमानों को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और जो मथुरा का जो मसला है वो दरअसल आप बता रहे हैं उसको वो कम्युनल नहीं है, दरअसल उसको तो हार्मनी बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर कोर्ट उसमें निर्णय देता है तो क्या भाई, देखिए अगर हमने आपके उप मुख्यमंत्री की उसमें निर्णय दे रहे हैं, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री ने जिस पक्ष को लेकर बात कही है क्या गलत कहा है? उन्होंने कहीं ना कहीं उसी निर्णय पर बात की है जो संवैधानिक तरीके से निर्णय हर बार हुआ है। वो कह रहे हैं कि क्या 1832 से लेकर 1996 तक कह रहे हैं कि कोर्ट में मसला उठाएंगे, वो कह रहे हैं बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी की तैयारी क्या है? देखिए बीजेपी की खुलकर एक्सपोज करिए जरा, बीजेपी की तैयारी क्या है, क्या कुछ होने वाला है? उन्होंने कहां लिखा बीजेपी की तैयारी है? नहीं कल तक देखिए संदीप जी, मैं बहुत खुलकर आपसे बात करूंगा। कल तक क्या होता था कि
छोटे कार्यकर्ता या फिर कोई ग्राउंड लेवल का कोई नेता है वो ऐसी बातें कहता था कि हम चढ़कर ये कर लेंगे, हम मस्जिद को गिरा देंगे और वहां पर मंदिर को बना देंगे और कई जगहों की ऐसी बात होती थी, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं कहता था। लेकिन चुनाव स्तर पर है, ऐसे में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब देखो मथुरा में मंदिर की तैयारी है, तो वहां पर आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आप चीजों को क्या कुछ करेंगे, क्या डेवलपमेंट्स आप करने जा रहे हैं? देखिए उसको लेकर सवाल, देखिए कहने को तो बहुत से सिर्फ ये भी कहते हैं कि वहाँ अयोध्या में मंदिर बना है, हम सर कलम कर देंगे, हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो क्या इस देश के मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हो गया? ये वो जो शब्द है वो इस देश के मुसलमान के हो गए? मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बहुत उनका पर्सनल ओपिनियन है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने जो कही है वो बात 100% संवैधानिक तरीके से सही बात कही है। अब उसको हम तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से पेश करना चाहें तो वो एक अलग तरीके के लोग अब हथियाने की राजनीति करेंगे, मतलब वहां पर जाकर आप इस तरीके के काम करेंगे? कौन सा हत्या लिया? राम मंदिर हत्या लिया? तैयारी वाली बात कर रहे हैं? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय में कर दिया मस्जिद में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैसा ही कुछ होने जा रहा है, वैसे आप गुंबद पर चढ़कर उसी तस्वीरों को दोबारा पेश करेंगे? देखिए मैं एक चीज बता दूं, संवैधानिक तरीके से अगर हमने राम मंदिर बनाया, अगर आपकी नजर में वो संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाया लेकिन संवैधानिक तरीके से मस्जिद को तोड़ा, देखिए ऐसा है क्या? देखिए बाबरी मंदिर बनाया दैट इज ओके, लेकिन आपने बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा वो संवैधानिक था? आप किस बेस पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? नहीं नहीं, आप वही तो तैयारी तो हम खुल के कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से, जब 1832 से लेकर 1996 तक खुल के सीना ठोक के कोर्ट ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि को यह मंदिर दिए जानी चाहिए उस न्यास को, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हम संवैधानिक कहे तो गलत है और दूसरी पार्टी संवैधानिक तरीके से कहे हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, हम शहरों के नाम बदलेंगे, हम ये तीर मारेंगे, हम आजम खां को ये बनाएंगे। अरे सर जो असंवैधानिक बात करते हैं उनकी भी बात कर लीजिए। हमने जो भी काम किया है 100% हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों की सहमत से किया है, संविधान का पूरा कहीं ना कहीं परंपराओं का पालन। आप कह रहे हैं कि मथुरा में जो कुछ आपने जो उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उसको लेकर मथुरा में कुछ होने वाला नहीं है, मतलब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, दंगे जैसे हालात बनने वाले नहीं है, जैसे कि आशंकाओं का दौर जो है मथुरा में चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अभी अभी की बात करते हैं, अभी की बात उन्होंने दंगे भड़क सकते हैं हाँ या ना? देखिए बिल्कुल नहीं भड़क सकते, बिल्कुल नहीं भड़क सकते, तो फिर वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपकी सरकार ने क्यों कराया? तो फिर वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस क्यों लगवाई गई? जहां आपको लगता है कि आपके बयान से दंगे नहीं भड़क सकते, देखिए तो फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस क्यों है? धारा 144 लागू क्यों है? वहां पर LIU को मजबूती से काम करने के लिए क्यों कहा गया है? सख्ती क्यों बढ़ाई गई है? देखिए प्रशासन का अपना डिसीजन है। नहीं, आपके आपके जो उपमुख्यमंत्री है वो बयान देंगे, उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने की आशंका जो है वो जाहिर होती है, उसके बाद पुलिस को डिप्लॉयमेंट होगी और आप कह रहे हैं दंगों की कोई बात ही नहीं है। उसके पीछे सीधा स्पष्ट मैं आपको बता दूं, पुलिस को हटवा दीजिए जब आपको लगता है कि ऐसे बयान से दंगे नहीं होंगे बल्कि मिठास आएगी दो रिश्तों में, आपको हिंदू मुसलमान के रिश्तों में। आपको वहां पे ग्राउंड रियलिटी पता है? नहीं, ग्राउंड रियलिटी पता है मुझको, मैं कल मथुरा से आ रहा हूं। 5 टाइम नमाज कितने दिन से पढ़ी जा रही है बताइए? नहीं, ग्राउंड आप ग्राउंड रियलिटी आपको पता है? नहीं, आप बताइए ग्राउंड रियलिटी आपको पता है? ऐसा रुक रुक ऐसा आरोप सर जवाब दीजिए, आप भाग नहीं सकते कुछ समय से, या तो ये कहिए कि हमें मुझे ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, ठीक नहीं है, या तो स्वीकार करिए कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, या फिर ये मत कहिए कि मुझे ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि आपके लोग आरोप लगा रहे हैं 5 दिन से भगवान की मूर्तियां स्थापित करेंगे, ये ठीक है या नहीं? देखिए हम 100% कृष्ण जन्मभूमि को भव्यता देंगे, आप ईदगाह के अंदर 100% भव्यता देंगे और कोर्ट की सहमत से देंगे और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई उसमें ईंट लगाएंगे, ये भी हम दावे से कहते हैं। के अंदर अगर 5 समय की आप कह रहे हैं कि नमाज कुछ दिनों से पढ़ी जाने लगी है ताकि जमीन को और मजबूती के साथ हथियाया जा सके, बिल्कुल आप जबरदस्ती वहां पर मूर्तियां स्थापित करेंगे? देखिए यहीं पे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं पे तो एंगल पकड़ने वाली बात है। वहां 5 टाइम नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जा रही क्योंकि जो कमेटी सीट पर तैयार थी कि हमें वैकल्पिक जगह दे दी जाए, हमें उस जगह को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां 5 टाइम नमाज ये बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं 5 टाइम नमाज डेली पढ़ी जा रही है, ठीक है। सुनिए, आपने आरोप लगा दिया, आप मुझे बताइए क्या मूर्तियां स्थापित करी जाएंगी? आपको मेरी मूर्तियां स्थापित करी जाएंगी? देखिए समय की कमी है, मैं दोनों चीजों के जवाब देता हूं।
आप मूर्तियां स्थापित करेंगे जबरदस्ती? आज फिर मथुरा में एक अंसारी को सोनिया गांधी के कहने पे मुलायम, ठीक है, सोनिया गांधी के कहने पर कुछ भी हो रहा है, दैट इज ओके, लेकिन आपकी सरकार क्या मूर्तियां स्थापित करेगी, हाँ या ना? देखिए केवल ये गलत है या नहीं है? केवल मथुरा में मूर्तियां स्थापित करेंगे, ईदगाह में गलत है या नहीं? जहां जहां विवाद है संवैधानिक तरीके से वर्सेप एक्ट को हटा के हम जलेबी आउटोफिट, जलेबी आउटोफिट, जलेबी मत बनाइए, ये बताइए क्या आप ईदगाह में मूर्तियां स्थापित करेंगे, हाँ या ना? हम 100% भव्यता के साथ संवैधानिक तरीके से मूर्तियां स्थापित करेंगे, ठीक है, मूर्तियां स्थापित करेंगे आप ईदगाह में, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के भारत एट नाइन में यही कार्यक्रम था जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बीजेपी का ट्रंप कार्ड जो उस वक्त खेला गया जब चुनाव सर पर हैं, और क्या यह काम करेगा, क्या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं देगा, क्या यह मंदिर पॉलिटिक्स की दोबारा वही कड़ियां शुरू नहीं करेगा, क्या मंदिर पॉलिटिक्स की जरूरत अब बीजेपी को आन पड़ी है, क्या यह सब जातिगत पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया।